संक्रमण से बचाव के लोगों की मदद के मोर्चे पर उतरने के दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना के बीच रहा आईसीयू बेड का कोटा, वैक्सीन का सिर्फ 4 दिन का स्टॉक बाकी, प्रदेश में एक दिन में मिले 10,310 संक्रमण। नक्सलियों ने अगवा जवान की तस्वीर की जारी, नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान अगवा जवान राकेश्वर मनहास 4 दिन के बाद भी नक्सलियों के कब्जे। रायपुर में 9 से 19 अप्रैल तक लॉकडाउन, डेयरी उत्पादों मेडिकल स्टोरों को छोड़कर पूरी तरह से शहर को किया जाएगा बंद, जिले की सीमाएं भी रहेंगी सील। रायपुर में 2 महिला थाना प्रभारी समेत 4 थाने के 10 कर्मचारी संक्रमित, पॉजिटिव मिलने से महकमे में हड़कंप। भिलाई में शुरू हुई अच्छी पहल, अब लॉकडाउन में भूखा नहीं रहेगा कोई गरीब, भिलाई निगम के द्वारा गरीबों को बांटे जाएंगे खाने के पैकेट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ, हमारा छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। और छत्तीसगढ़ की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पे हम बात कर रहे हैं, जो है छत्तीसगढ़ में हर घंटे कोरोना से मौत। जी हां, और शुरुआत रायपुर से कर रहे हैं जहां पर कोरोना से विस्फोट हुआ है। छत्तीसगढ़ में 10,310 नए मामलों की पहचान हुई है, 53 लोग कोरोना से जान गई है, बड़ी खबर इस वक्त आपको। हर घंटे छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमितों की मौत हो रही है, 53 लोगों की कोरोना से जान चली गई है। रायपुर में 27 मरीजों की कोरोना से जान गई, बड़ी खबर इस वक्त। रायपुर में 3,302 कोरोना के मरीज मिले हैं, छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस बेलगाम हो गया है, इस पर लगाम कैसे लगेगी ये बड़ा सवाल। हर घंटे कोरोना से मौत हो रही है छत्तीसगढ़ में। रायपुर में कोरोना विस्फोट देखने को मिला, मरीजों ने जीती कोरोना से जंग, लेकिन जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस बेलगाम साबित हो रहा है। रायपुर में 27 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई है, रायपुर में कोरोना विस्फोट देखने को मिल रहा है। क्या MP, क्या छत्तीसगढ़, क्या उत्तर प्रदेश, हर जगह कोरोना वायरस रफ्तार पकड़ रहा है, बेलगाम देखने को मिल रहा है। तो छत्तीसगढ़ में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर घंटे एक शख्स की मौत हो रही है, भयावह स्थिति बनी हुई छत्तीसगढ़। हॉस्पिटल फुल हो गए हैं, कोरोना मरीजों के लिए जगह नहीं है। छत्तीसगढ़ में कोरोना ने भयावह रूप ले लिया। आखिर छत्तीसगढ़ की सरकार इस संक्रमण से और सीधे हावड़ा लेके चलते हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। जब हम पीएम जी की बात कर रहे हैं तो भाइयों बहनों, मेरे सामने एक दृश्य सामने आता है, जेखाने दुर्नीति, सेखाने टीएमसी, सारा टीएमसी, नारा टीएमसी, जल चूरी टीएमसी, तिरपाल चूरी टीएमसी, हर घोटाले में टीएमसी, हर भ्रष्टाचार में टीएमसी, हर अराजकता में टीएमसी, ममता की रुचि बहन बेटियों की सुरक्षा में नहीं, उनकी उन्नति में नहीं, उनके उन्नयन में नहीं, ममता की रुचि गरीबों को आवाज देने में नहीं, ममता की रुचि
युवाओं को नौकरी और रोजगार देने में नहीं, ममता दीदी की रुचि किसानों को आमदनी का दुगना काम देने में नहीं, ममता दीदी की रुचि तो दुर्गा पूजा को प्रतिबिंबित करने में है। ममता दीदी की रुचि तो मां सरस्वती की पूजा को रोकने में है। ममता दीदी की रुचि तो हत्यारों के प्रति सहानुभूति की है। ममता दीदी की रुचि तो गरीबों के हक पर डकैती लाने वाले टीएमसी के गुंडों के साथ में है। और इसलिए भाइयों बहनों, ममता दीदी हर एक बात में गुस्सा होती है, हर कार्य में गुस्सा होती है। भाजपा का कार्यक्रम आया या बंगाल का कोई नौजवान, बंगाल का कोई नागरिक जेल से बाहर वो भी है तो ममता दीदी बोलती है कि जेल के अंदर डाल देंगे। लेकिन बंगाल के नौजवानों का, बंगाल के नागरिकों का मैं अभिनंदन करूंगा। कल मैं दार्जिलिंग में था और दार्जिलिंग में भी, पहाड़ी में भी और यहाँ मैदान में भी एक ही नारा गूंज रहा है, जय श्री राम जय श्री राम। आपने ममता दीदी की धमकी को स्वीकार करते हुए यहाँ मैं राम जय श्री राम के नारे को एक मंत्र बना दिया है और जय श्री राम के मंत्र के बल पर भारतीय जनता पार्टी बंगाल की सभी समस्याओं का समाधान करने वाली है। भाई बहनों, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, भाजपा जो कह रही है तो करके दिखाती है, भाजपा ने जो कहा तो करके दिखाया। आप जम्मू कश्मीर के अंदर देखिए, इसी बंगाल की धरती पर पैदा हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोलकाता विश्वविद्यालय के सबसे छोटी उम्र में, मात्र 33 ईयर्स की उम्र में उन्हें कुलपति बनाया गया था और भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष बने। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कांग्रेस की कुटिल चालों को समझा था। कांग्रेस ने आतंकवाद की जड़ आर्टिकल 370 को जब भारत के संविधान में डालने की कोशिश की थी तब उसका विरोध किसी ने किया था। इसी बंगाल की धरती पर जगने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था और बंगाल की धरती से उन्होंने नारा दिया था, एक देश में दो प्रधान दो निशान दो विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार किया है भारत के सुशासित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आज कश्मीर में भारत का नौजवान भी अगर कश्मीर के अंदर मकान और जमीन खरीदना चाहता है, प्रधानमंत्री मोदी जी और गृहमंत्री अमित शाह जी ने आपको यह अधिकार दे दिया है कि आप भी जाकर के जम्मू कश्मीर के अंदर विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं। भाइयों बहनों, 500 वर्षों से भारत के राम भक्त की यही तमन्ना थी, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बने। कांग्रेस टीएमसी कांग्रेस कभी भी नहीं चाहते ये मार्ग में बाधा करते, प्रधानमंत्री मोदी जी आए, उन्होंने सभी बाधाओं को दूर किया। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आई, सभी बाधाओं को दूर कर दिया। आज अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर दिया। भाजपा जो कह रही है सो करके दिखा रही है, सोमवार बांग्ला के सपने को भाजपा ही साकार कर रही है और इसीलिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। भारतीय जनता पार्टी विकास और सुशासन के अपने मॉडल के साथ आपके बीच में है। जहां भी भाजपा की सरकार है उसने बिना भेदे भाव के विकास किया है। हमने तो कहा, हमने जाति पात मजहब क्षेत्र भाषा के आधार पर विकास नहीं पाता। भाजपा का मंत्र है सबका साथ सबके विकास का। भाजपा का मंत्र है सबका साथ सबका विकास और यही मोदी जी ने मंत्र देश को दिया है। मोदी जी के मंत्र के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी आपके बीच में है
और इसीलिए संगमेरे विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने श्री प्रभाकर पंडित को अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच में उतारा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सभी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में मोदी जी के समर्थन में सब लोग हैं, आप लोग बोलिए, आप सभी लोग हैं, सभी लोग, सभी लोग दोनों महाराजा के मेरे साथ बोलिए, दोनों महाराजा आगे पीछे हाथ तक करके आवाज चलाइए, दोनों महाराजा करके मेरे साथ बोलने के प्रभाकर पंडित करो, प्रभाकर मेरे हाथ से दोनों महाराजा के बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो पश्चिम बंगाल में इस वक्त मुख्यमंत्री योगी